बहुत ही कम पैसे के साथ आसान सी सस्ती मिठाई बनाएंगे जो अंदर तक रस से भरी हुई है, जूसी है, रसीली है। बनाना भी एकदम सिंपल है, सरल है, बनाकर 15 दिनों तक रख सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका सुष्मिता चैनल में, कहो कैसे हो आप। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है मैदा। तो 1.5 कप यहाँ पर मैदा लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा भी मिला सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ मैदा से मिठाई बना रहे हैं। और 1 चम्मच भर के आपको लेना है यहाँ पे सौंफ। सौंफ को दरदरा कूट कर डाल देना है, साबुत सौंफ नहीं लेना है। साबुत लीजिए, उसे दरदरा क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए। फिर आपको यहाँ पे लेना है 1 चुटकी नमक। नमक डालेंगे तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं। फिर खस्तापन देने के लिए आपको यहाँ पर डाल देना है देसी घी। देसी घी डालेंगे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अभी हम थोड़ा ही घी डालें, एक बार मिक्स कर लेंगे। अगर कम लगेगी तो फिर थोड़ा सा घी डाल देंगे। पहले मिला लेते हैं इसे अच्छे से। घी मिलाने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं मैदा की बाइंड कर रहे हैं। तो घी की मात्रा कम है क्योंकि मैदा की बाइंड अच्छे से नहीं हो रही है। 1 चम्मच भर के घी और डाल देंगे, मिला लेंगे, फिर बाइंड करके देख लेंगे। तो आप भी जब इस तरीके से मिठाई बनाए, पहले आप मैदा या आटा जो भी आप ले रहे हैं उसकी बाइंड करके देख लीजिए, तभी आपकी मिठाई खस्ता बनेगी, एकदम नरम बनेगी। घी मिलाने के बाद हमने बाइंड करके मैदा को देख लिया, तो बाइंड अच्छे से हो रही है, यानी घी की मात्रा एकदम परफेक्ट है, सही है। अब आपको लेना है पानी। 1 कप हमने पानी लिया है, नॉर्मल पानी है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पानी के छींटे मारते हुए पहले मैदा आटा को अच्छे से मिला लीजिए। पानी एक बार में नहीं डालिएगा क्योंकि आटा हमें ज़्यादा नरम भी नहीं गूंथना है ना ज़्यादा सख्त गूंथना है। मैदा आटा को हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर छींटे मारकर मिला लिया है। थोड़ी सी पानी बच गई जिसे हम साइड में रखते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 से 1.5 मिनट के लिए बिना पानी के मैदा आटा को हमें अच्छे से मसलते हुए चिकना करना है। अब पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, न हाथ में लगाना है। बस इस तरीके से मसल मसल कर आटा को एकदम चिकना गूंथना है। जितना अच्छा आप आटा गूंथेंगे, मैदा आटा गूंथेंगे, उतनी टेस्टी, उतनी खस्ता नरम मिठाई बनकर तैयार होगी। बस इसे अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए मसल लीजिए। आटा को गूंथ कर हमने रेडी कर लिया, कटोरी से ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। गैस चलाकर कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई गर्म हो गई। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 कप भर के चीनी। तो 1.5 कप हमने मैदा लिया था, उसके लिए आप 1 कप चीनी लेंगे तो सही रहेगी। फिर आपको यहाँ पे डाल देना है 1 कप के लगभग पानी। तो पानी हमने 1 से 1.5 चम्मच बचा लिया, हमें पानी ज़्यादा लग रही थी इसलिए हमने पानी बचा दिया। चला देंगे, गैस को फुल रखा है और हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हमें इस चीनी और पानी को बॉयल करना है। फ्लेवर के लिए हमने 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया। एक बार चेक कर लेंगे तो उंगलियों पर लेकर देख रहे हैं, चाशनी आप देख रहे हैं हल्की सी चिपचिप हो रही है। एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे, एक तार की चाशनी रखेंगे, ठंडी होने के बाद ये जमने लगेगी। बस हल्का सा चिपचिप हो, बस गैस को बंद कर देना है। 15 मिनट हो गए हैं आटा को गूंथ हुए, हमने बाउल को हटा दिया। इसे हम 30 सेकेंड के लिए मसल लेंगे। मसलने के बाद आपको आटा को 2 भागों में बांट लेना है और इसे आप चिकना कर लीजिए। बड़ी साइज की बाउल्स बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे हल्के हाथ से इस तरीके से दबाते हुए थोड़ी सी बड़ी साइज की कर लेनी है। फिर बेलन लीजिए और हल्के हाथ से बेलन आपको चलाना है, ज़्यादा कस के बेलन नहीं चलाइएगा। आप देख सकते हैं रोटी हमने थोड़ी सी मोटी रखी है। फिर चाकू से आपको इसे बीचों बीच से कट करना है। आप अगर इस तरीके से मिठाई बनाएंगे तो आपकी मिठाई बहुत ही खस्ता बनेगी, एकदम लेयर बनेगी। आप देख सकते हैं हमने 4 भागों में मोटी रोटी को कट कर लिया है। एक के ऊपर आपको जो कटे हुए हिस्से हैं उसे आपको रखना है। आप इसे ध्यान से देखिएगा, यही सबसे मेन चीज़ है, तभी आपकी मिठाई अच्छी बनेगी, अंदर तक जूसी बनेगी, रसीली बनेगी। एक के ऊपर रखने के बाद आपको फिर क्या करना है, हल्के हाथ से चारों तरफ से दबाना है। एकदम कस के नहीं दबाइएगा, हल्के हाथ से दबाइएगा, फिर हल्के हाथ से बेलन चलाना है। ये प्रोसेस कम से कम आपको 7 से 8 बार करना है। जितना आप ये प्रोसेस करेंगे उतनी अच्छी लेयर बन की आएगी। एक बार कट करके हमने फिर दोबारा बेलन चलाया, फिर सेम उसी प्रोसेस से हमें रोटी को 4 भागों में कट करना है। और रोटी आपको मोटी ही रखनी है, एकदम पतली रोटी नहीं रखनी है। कट करने के बाद एक के ऊपर आपको इस तरीके से रोटी को रखते जाना है, फिर हल्के हाथ से दबाना है, बेलन चलाना है, फिर इसे आपको बेल लेना है। तो 7 से 8 बार यहाँ पर हमने मोटी रोटी को हमने छोटे साइज में कर लिया। यहाँ पे हमारी रोटी बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, किनारे वाले हिस्से को कट कर देंगे। अब फिर इसे मीडियम साइज में कट कर लेंगे। आप जिस तरीके से कट करना चाहें कट कर सकते हैं। तो मीडियम साइज में मोटी मोटी साइज की मिठाई कट करके तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने एक एक करके सारे मिठाई को कट कर लिया है। एक मिठाई हम आपको लेके दिखाते हैं, तो आपको देखने से लग रहा होगा मिठाई इतनी मोटी है तो अंदर से कच्ची होगी, बहुत ही कड़क बनेगी, दांत से नहीं टूटेगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि मिठाई में हमने अच्छी खासी लेयर बनाई है जो मिठाई को अंदर तक खस्ता रखेगी, जूसी बनाएगी और रसीली होगी। गैस चलाकर धीमी आँच पर तेल को हमने पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, तेल भी अच्छे से गर्म हो गई है। जब तेल गर्म हो जाए सबसे पहले गैस को आप स्लो करिए, एक बार में जितनी मिठाई आ जाए आप तेल में डाल दीजिए। मिठाई डालने के बाद आपको तुरंत नहीं चलाना है, इसे नीचे से सिकने दीजिए। एक से डेढ़ मिनट बाद आप इसे पलट दीजिएगा। एक से डेढ़ मिनट इसे हम पलट देंगे, गैस को धीमा ही रखना है। धीमी आंच पर उलट पलट कर अच्छे से आपको दोनों तरफ से चारों तरफ से घुमाते हुए उलट पलट कर सेक लेना है। गैस को तेज़ रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि मिठाई को हमने थोड़ा सा मोटा रखा है। जब हमने अच्छे से मिठाई को फ्राई कर लिया है, अब इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे। अगर हम मिठाई निकाल कर आपको तुरंत चाशनी में डालनी है, लेकिन आपको क्या करना, पहले चाशनी को भी गर्म करना है, क्योंकि चाशनी को हमने पहले से ही बनाकर तैयार कर लिया था जो ठंडी हो गई है। तो गैस चलाकर फिर हमने दोबारा चाशनी को गर्म कर लिया, चाशनी भी गर्म हो गई है। ठंडी चाशनी आपको नहीं लेनी है, और तुरंत गर्म मिठाई निकाल कर गर्म चाशनी में डाल दीजिए, मिला दीजिए। मिठाई चाशनी में डालने के बाद गैस को मीडियम करना है, और दोबारा एक मिनट के लिए चाशनी के साथ मिठाई को अच्छे से पकाना है। इससे क्या होगा, चाशनी के साथ जैसे जैसे मिठाई पकेगी अंदर तक रसीली बनेगी, जूसी होगी, एकदम सॉफ्ट होगी, और जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भी आराम से इस मिठाई को खाएंगे। तो पहले से पका लेते हैं एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। अगर हम चाशनी को पहले से गाढ़ा बनाते थे, एक तार की चाशनी बनाते, जैसे ही मिठाई हम चाशनी में डालते आप देखते चाशनी जमने लगती जो अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब भी आप चाशनी बनाइए, चाशनी पतली रखिए, और मिठाई के साथ आप दोबारा चाशनी और मिठाई को पकाइए, तो धीरे धीरे चाशनी भी पकेगी और मिठाई भी सॉफ्ट होंगी। तो हमने अच्छे से मिठाई को पका लिया, गैस को हमने बंद कर दिया, और आधा घंटा के लिए हम इसे छोड़ देंगे जिससे मिठाई अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसे प्लेट में निकालेंगे। मिठाई भी काफ़ी गर्म है इसलिए हाथ नहीं लगा सकते, चम्मच लगा रहे तो आप देख रहे हैं गर्म होने के बावजूद भी मिठाई अच्छे से नरम हो गई, जबकि जैसे जैसे ठंडी होगी और रसीली बनेगी, जूसी बनेगी। तो मिठाई को ठंडा करके हमने मिठाई को प्लेट में निकाल लिया, कट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कहीं से भी कच्ची नहीं है, अंदर तक एकदम रसीली है, जूसी है। और जब हम मिठाई को यहाँ पे मैश कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं मिठाई आसानी से मैश हो जा रही है, यानी खस्ता बनी है, कहीं से भी कच्ची नहीं है। किस मिठाई बनाई है, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।